अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। तो यार अज असीं गल करन जा रहे हैं होंडा सिबी 120F दे बारे, जिहड़ा है पिछले साल ही मॉडल लॉन्च होया। ठीक है, उस तो बाद एरकिए दा नवा मॉडल आया है। नवे मॉडल च सेम तीन कलर अवेलेबल है, तीनों च डिफरेंट ग्राफिक आ, मतलब ग्राफिक डिफरेंट आ, कलर उन्हां दा डिफरेंट आ, बहुत ही प्यारे ग्राफिक आ। ते अज असीं गल करांगे, सब तो पहले तुसीं रेड कलर का ग्राफिक देख सकते, जो रेड कलर च काफ़ी यूनीक लुक प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा जिहा पिछले मॉडलों ना डुलैक्स जो 125 है वो ना मिल रहा है, लेकिन ये बाइक की काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, क्योंकि ये अलॉय व्हील ने जो ब्लैक कलर से काफ़ी अच्छा कॉम्बीनेशन दे रहे हैं। उस तो नैक्सट असी जरा ब्लू कलर के बारे गल कर लें। ब्लू कलर किदा की लुक प्रोवाइड कर रहा है, तो तुम देख रहे थे रैड कलर तो माशाला बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके नाल नाल अगर असी ब्लू कलर के बारे भी गल करिए, वह भी बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। ब्लैक तो ब्लू कलर का काफ़ी अच्छा कॉम्बीनेशन है, तो तुम कलर देख सकते हो, ब्लैक कलर इंतहाई खूब खूबसूरत लग रहा। उत्तों उन्होंने ग्राफिक भी जो ब्लैक कलर के दिए हुए ने, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। होंडा ने तकरीबन अपना मॉडल जोड़ा भी लॉन्च किया वा, ये स्पैशल एडिशन भी आए थे, लेकिन इस दफा स्पैशल एडिशन नहीं लॉन्च किए, सिंपल ही इन्होंने लॉन्च किया वा सीबी 120F। उस तो बाद असी ब्लैक कलर के बारे गल कर लें कि ब्लैक कलर किदा की लुक प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि तीन दो मॉडल से ये ब्लैक कलर से इन्होंने रैड स्टिकर करता, रैड स्टिकर भी काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो यार मैं माजरत करता पे हाँ कि मैं तुम्हें इदा तस्वीर दिखा के टरका रहा, इंशाल्लाह सुबह तक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी ये बाइक के उत्ते। अगर तीनों कलर अवेलेबल हो, ज़्यादातर बाइक जेडे सेल होंगे ने मार्केट से, वो स्ट्रैटेजी देख लेंगे ने कि मार्केट से केड़ा कलर सेल हों, जिदा होंडा सीडी 70 का रैड कलर सेल हों, तो ज़्यादातर रैड कलर अवेलेबल हों, ब्लैक कलर बहुत घट अवेलेबल हों। तो जिन्हें भी सुबह इंशाला कलर अवेलेबल हो, तो मैं तुम्हें वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। इस प्राइस के बारे गल कर लो, तो 187,000 रुपया 500 प्राइस है। तो उस तो बाद स्पैसीफिकेशन यदि तकरीबन सेम है जी साढ़े किसी काम की नहीं। असी जरा ये फीचर्स के बारे गल कर लें। सब तो पहले तुम्हें हैडलाइट का डिजाइन मिल जाता, ठीक है, मॉडर्न डिजाइन है, बहुत अच्छा हैडलाइट का डिजाइन है। उस तो बाद फ्यूल टैंक का डिजाइन तुम देख सकते हो, ये ग्रिप मिल जाता जिदा YBR की। यदि ड्राइव काफ़ी मैं खैर लई तो नहीं, समूथ ड्राइव आ सुनने से आया, तो मैं तुम्हें यही नहीं कह रही कि यदि ड्राइव बहुत समूथ है, ड्राइव उम्मीद करते हैं कि अच्छी होएगी। उस तो बाद स्टाइलिश कवर देख सकते जो पेंटेड विद ब्लैक पेंट है, सलंसर का उन्होंने गल की हुई है, सलंसर का कलर साल डेढ़ साल बाद बिल्कुल फारग हो जाता है। मैं इन्हों की मतलब खामी तेजे सामने पेश कर रहा। उस तो बाद टेल लाइट का डिजाइन देख सकते जो सेम डिजाइन है जिदा पिछले मॉडल से आया से। उस तो बाद सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता। उस तो बाद स्पीडोमीटर देख सकते जो स्पीडोमीटर से तुम एक RPM की सुई मिल जाती है, जिदा तुम्हें रेस देनी उदा ही इन्हें सुई ने इनक्रीज डिक्रीज करना। उस तो बाद एक फ्यूल गेज मिल जाती जिहड़ा तुम्हें दसती है कि तुहाडा किन्ना पेट्रोल, बाइक की पेट्रोल कपैसिटी असी देख सकते हैं 12.3 लीटर पेट्रोल कपैसिटी है रिजर्व, तो 2.7 लीटर रहिंदा वा, ठीक हो गया। तो तुम देख सकते जो 12.3 लीटर से यह बाइक कि एवरेज देती है, ठीक हो गया। उस तो बाद पावरफुल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, 5 गेयर मिल जाते हैं। उस तो बाद 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, 125 CC OHCV का इंजन मिल जाता है। उस तो बाद अलॉय रिम का डिज़ाइन देख सकते जो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। इस दफ़ा बाइक के ग्राफिक काफ़ी कमाल के ने एज़ कंपेयर टू पिछले साल के। तो मैं उम्मीद करता तुम्हें वीडियो थोड़ी जी अच्छी लगी होएगी, इनफॉर्मेटिव वीडियो बनाई सी। सुबह इंशाला बाकी शशकिया नाल कंप्लीट वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते जो, तो अपने भरा इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते जो, कोई भी अपडेट लेनी हो या कोई भी इनफॉर्मेशन लेनी हो, तो अपने भरा इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते जो।